हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं गोबर फेंकने के लिए, जो हमारे गांव वालों का डेली का काम होता है। तो चलिए, शाम का जो समय हो चुका है 4:30 बजे, तो चलते हैं। फिर गौशाला के लिए भी जाना है, तो बाल्टी भी ले जाते हैं दूध के लिए। टन टन, चलो फिर अब हम चलते हैं। देखो, ये हमारे आसपास का जो ये यहाँ पे लोगों ने मेहनत से मटर उगाए हैं, लगने वाले हैं। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है, ऊपर से हम नीचे से दिखाते जाएंगे आपको। ये फूल है प्यारे से फूल सरस्वती, इनको नहीं पता मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये है कुल देवी का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, जो माता। बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी गौशाला के पास। ये हमारी गौशाला मिट्टी की बनी हुई है, जो हमारे यहाँ पे हर साल जो 3-4 बार बर्फ गिरती है, और वो भी 2-3 फुट से भी ज़्यादा। और अब हम चलते हैं, ये हमारा तालाब है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, जब बारिश होती है तो वो उपयोग में लाया जाता है। तो स्टोरेज अच्छी है ना यहाँ पे पानी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पानी की कमी भी है। अब हम पहुँचने वाले जहाँ से हमने गोबर लेना है ना, चलो चलो चलते चलो। ये हमारा विलेज है, और जो हमारे ना चारों तरफ सरसों सोई हुई है, इसका जो सरसों का जो तेल निकाला जाता है, और उसी का सभी उपयोग करते हैं। ये गोबर भरा जा रहा है हमारे लिए, तीनों के लिए। ये लोग जब बारिश लगने वाली होती है ना, हेलो गाइस, आपको पता है शादी के बाद ये काम करना पड़ता है। पहले भी करना ही भूलना, पर थोड़ा दूर है ना। जैसे ही इस बीज का नाम कुंडी है, वैसे यहाँ पर कुंडू है। ये मक्की के जो होते हैं टुकड़ियाल वगैरह, वही पादरी। अब हम चलते, आधे रास्ते में हम पहुँचने वाले हैं, और अब हम पहुँच गए गोबर फेंकने। बड़ी ही दूर है, बड़े ही दूर। ये थोड़ी जैसी वीडियो जो शूट की थी रास्ते में, मैंने फेंक दिया। अब इनकी बारी, ऊपर हेलीपैड है, कुंडी हेलीपैड। अब इसी तरह से बाय। अब हमने घास लेना है जाते टाइम, तो वीडियो आप अपनी वीडियो पूरी देखी ले, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।